नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। क्लास ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी में अच्छे मार्क्स किस ढंग से आप ला सकते हैं बचे हुए समय में, उनके लिए बोर्ड की ओर से निर्देश दिया गया है। किस ढंग से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन पैटर्न इस बार कैसा रहेगा, सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे के लिए हिंदी में अच्छे ढंग से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए आप लोग को बोला गया है कि लिखावट और व्याकरण की शुद्धता पर दे ध्यान, अच्छे अंक मिलेगा। यानी आप लोग अगर एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए आप लोग को लिखावट बहुत ही मायने रहेगा और व्याकरण और शुद्धता पर ध्यान ज़्यादा देना है, तभी आप लोग को अच्छे अंक ला सकते हैं। साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम इस बार है किस तरह से रहेगा, जिनके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है बदलाव, विकल्पों की संख्या बढ़ सकती है, विकल्पों की संख्या आप लोग को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ मॉडल पेपर आप लोग को जल्द ही जारी किया जाएगा, बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है वो बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, जिससे सभी स्टूडेंट का फ़ायदा होगा उस मॉडल सेट से। जिस अनुसार से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम उसी अनुसार से आप लोग को मॉडल पेपर को जारी किया जाता है। तो आखिर आप लोग किस ढंग से तैयारी करना है, पैटर्न कैसा रहेगा और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से आएगा या आप लोग को बुक से आएगा। .net बच्चे आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं या प्रॉब्लम हो रहा है तो उस क्वेश्चन को फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए 5 वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर। साथ ही साथ वो क्वेश्चन चाहे आपको होमवर्क का हो या सीबीएसई या यूपी महाराष्ट्र या राजस्थान किसी भी अनदर बोर्ड का हो, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के एडवांस जेईई मेंस लेवल तक के सभी क्वेश्चन का सोल्व मिलेगा। चाहे विषय प्रॉब्लम आप लोग को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी क्वेश्चन को मिलेगा सोल्व। साथ ही साथ क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक अभी चल रहा है लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो 3 करोड़ से अधिक बच्चे ने इस ऐप को डाउनलोड किया, आप ही डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में विषय हिंदी में तैयारी के लिए लिखावट और शुद्धता पर पूरा ध्यान दे, शुद्धता पर अंक मिलते हैं, इसके अलावा व्याकरण की तैयारी ठीक से कर ले, इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्नों की संख्या पूछा जाएगा। इस अनुसार से आप लोग को पूछा जाएगा इस बार। ये आप लोग को निर्देश दिया गया है, टेली काउंसलिंग हुआ है जिसमें सभी स्टूडेंट को बताएगा कि किस ढंग से आप तैयारी करिए और कैसे आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं, एग्जाम में प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए देख सकते हैं बताया गया कि हिंदुस्तान कार्यालय मंगलवार को आयोजित इंटर काउंसलिंग में शिक्षक डॉक्टर अनीता कुमारी ने बच्चों से सलाह ली और उसे महोदय ने उच्च महाविद्यालय में सुखपुरा हिंदी शिक्षक अंकिता कुमारी मानो तो पाठ्यक्रम की पूर्ववर्ती रहेगी। पाठ्यक्रम में जिस अनुसार से पिछले साल रहा था सेम उसी अनुसार से आप लोग को रहेगा, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस अनुसार से आप लोगों को पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था सेम उसी अनुसार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर विकल्पों की संख्या बढ़ा रहेगा। देख सकते हैं आप लोग को बताया विकल्पों की संख्या बढ़ सकती है। शिक्षकों ने बताया कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जल्द जारी करेगा, मॉडल पेपर से प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगा। यानी आप लोग को जैसा ही मॉडल पेपर को जारी किया जाता है तो उससे आप लोग को ये फायदा होगा कि जिस अनुसार से फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है सेम उसी अनुसार से आप लोग को क्वेश्चन मॉडल पेपर जो जारी किया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा उसी अनुसार से आप लोग को रहेगा। साथ ही साथ देख सकते हैं बताएगा कि वस्तुनिष्ठ और लघु दीर्घ प्रश्नों की संख्या अधिक रहने का संभावना है। उन्होंने छात्रों को लिखने का अभ्यास ज़्यादा करने का दिए हैं, कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक पाठ को गहराई से पढ़ें और तैयारी औपचारिक पंथ पर ध्यान ज़्यादा दें। यानी आप लोग को इस ढंग से आप लोग को बताया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप लोग को 2 खंडों में रहेगा प्रश्न पत्र, 1 से 2 घंटे लिखने का अभ्यास डेली करने के बोले गया है। आप लोग को 1 से 2 घंटा आप अभी से ही प्रयास कर लीजिए, डेली अगर लिखते हैं तो फाइनल एग्जाम में आप लोग को किसी प्रकार के लिखने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रह सकता है, देख सकते हैं बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित रहेगा और गद्यखंड में भी आप लोग को गद्यखंड और पदखंड से भी व्याकरण से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और व्याकरण में देख सकते हैं आप लोग को वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनके अनेक शब्दों को वाक से पूरा सवाल पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो अंक 50 अंक में जो पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो बताया गया कि लघु उत्तरीय प्रश्न में इनमें से ज़्यादा निबंध, संघ प्रसंग और पत्र लेखन आदि से रहेगा। निबंध आप लोग को 8 अंक के रहेगा और संघ प्रसंग भी आप लोग को 8 अंक के रहेगा और संघ ही सब पत्र जो लिखना होता है वो 5 अंक के रहेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को 10 अंक का रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मानिए 100 मार्क्स का आप लोग को इंग्लिश का इस बार जो हिंदी का एग्जाम होगा
उसमें आप लोग को लमसम बताया जाए तो 50% पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहता था, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव को प्रश्न को जवाब देना रहता था, लेकिन आप लोग इस बार 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन को जवाब दिया जाएगा, प्लस 50 क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा रहेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये फायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है उसी क्वेश्चन को जवाब दीजिए और आसानी से एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं, एग्जाम में अच्छा अंक प्रदर्शन कर सकते हैं। लघु दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रश्नों में आप लोग को प्रश्नों की विकल्प संख्या बढ़ा रहेगा, प्रश्नों की संख्या जिस अनुसार से पिछले साल जवाब देना था सेम उसी अनुसार से लगेगा, लेकिन आप लोग को वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मालूम है सेम उसी क्वेश्चन को आप लोग को जवाब दे। साथ ही साथ आप लोग से निर्देश करूंगा कि पिछले साल के 5 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप तैयारी कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आप आसानी ढंग से कर लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो एग्जाम में आप अच्छा अंक ला सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।